हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। दोस्तों, ये एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी की वैकेंसी कल ही आई थी, तो टाइम ना मिलने की वजह से मैं वीडियो को शूट नहीं कर सका। उसके लिए बहुत बहुत आप सभी का मतलब मैं सॉरी कहता हूँ। तो दोस्तों, आज ये हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं और कौन से स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट नहीं फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, टोटल इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, में शेयर जरूर करिएगा। और किसी भी दिक्कत के लिए, कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो टेलीग्राम ग्रुप से मेरे से बात जरूर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग डेट दोस्तों कल से ही हो गई है, अर्थात 10 अक्टूबर से इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है और 4 नवम्बर इसका क्या दोस्तों लास्ट डेट है, यानी कि 10 अक्टूबर से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट है और 4 नवम्बर तक आप लास्ट डेट है दोस्तों, फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। ठीक है ना, इतनी सी बात समझ गए होंगे। सीबीटी जो इसका होने वाला है दोस्तों, वो 2021 में होने वाला है, अर्थात आप सभी को पर्याप्त टाइम मिल जाएगा। पर्याप्त टाइम मतलब ज्यादा ही टाइम मिल जा रहा है, तो दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। 29 से 31 मार्च 2021 में पेपर होने वाला है, तो फिर ज्यादा टाइम आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। ठीक है ना, जनरल ओबीसी के लिए 100, ईडब्ल्यूएस के लिए 100, एससी एसटी 0, और कोई भी कैटेगरी की फीमेल है उसको 1 रुपया नहीं देना, उसका भी फी क्या है दोस्तों, 0 है। ठीक है ना, ये एसएससी का थोड़ा सा अच्छा रूल लगता है, फी कम रहता है। बात करेंगे मिनिमम एज की, तो कम से कम 18 साल मतलब होना चाहिए। ठीक है ना, मैक्सिमम एज ग्रेड डी के लिए 27 और मैक्सिमम एज ग्रेड सी के लिए दोस्तों 30 एज। ठीक है ना, ये समझ गए होंगे। और ग्रेड यहाँ पे ग्रेड सी के ध्यान से चीजों को समझिएगा, 10+2, अगर आपने 10+2 किया था इंटरमीडिएट किया किसी भी बोर्ड से ना, तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन माने स्टेनोग्राफी जो टेस्ट होता है दोस्तों, वो काफी खतरनाक टेस्ट होता है, अभी जान लीजिए काफी खतरनाक टेस्ट होता है। तो उसका टेस्ट कैसे होता, क्या होता, अगर उसके बारे में आप चाहते हैं तो मैं अलग से उसके लिए वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना, इंग्लिश आपको 50 माना जाता है और हिंदी में 65 ग्रेड सी के लिए, और ग्रेड डी के इंग्लिश 40 और हिंदी 55 स्टेनोग्राफी टेस्ट मांगता है। ठीक है ना, इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा समझाने में। अब फिर भी समझ लीजिए, जैसे अगर आप टाइपिंग करते हैं ना, वहां पे क्या होता है, इस तरीके से, फिर इस तरीके से, कुछ इस तरीके से दोस्तों वर्ड को लिखा जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है उसको दोस्तों, तो सीखना पड़ता है। ठीक है ना, 5-6 महीना कम से कम लग जाता है सीखने में, अधिकतम 1 साल भी लग जाता है। तो अगर आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो इसके साथ साथ ये टेस्ट भी सीखते रहिए दोस्तों, नहीं तो फिर आप नहीं निकाल पाएंगे इसको। ठीक है ना, सिलेबस की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसके सिलेबस में 1/4 निगेटिव मार्किंग है, ये भी साल लीजिए, 1/4 क्या दोस्तों, निगेटिव मार्किंग है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क। ठीक है ना, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क, और इंग्लिश दोस्तों 100 क्वेश्चन 100 मार्क। अर्थात यहाँ पे क्या खेल हो जा रहा है, क्या सीन हो जा रहा है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क के दोस्तों हो जा रहे हैं। ठीक है ना, सॉरी 200 क्वेश्चन 200 मार्क के यहाँ पे हो जा रहे हैं। ठीक है ना, टाइम आप सभी को कितना मिलता है, 2 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक है ना, बाकी जो पीएच वगैरह मतलब डिसेबिलिटी है उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है, लेकिन आप जो है यहाँ पे आपको जो है 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ठीक है ना, चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और इस वैकेंसी के बारे में आपकी क्या राय जरूर बताइएगा। और दोस्तों, एसएससी अपना पूरा वैकेंसी ना वो बाद में जारी करती है, तो उसका यहाँ पे जो है जारी नहीं करती है। ठीक है ना, चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए एग्जाम तक वॉरियर्स।